कुछ ऐसा सा कॉकपिट व्यू मिलेगा देखने को अपने सामने। तो इनसाइडर लगे ही हुए हैं, खैर ये तो बात की बात है क्योंकि ये BS4 मॉडल है, अभी भी इसमें टेलीस्कोपिक ही आते हैं कंपनी ने एज सच। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो क्या हाल चाल है सबके। तो सुबह सुबह आज हम लोग निकले हैं राइड पे, थोड़ा सा छोटी सी एक राइड थी जनरल फन टाइप्स, तो उसी में आज अपने पास है ये देखो बजाज फैन बॉयस कह सकते हो, उनकी फेवरेट गाड़ी द पल्सर RS 200। हालांकि ये नई वाली नहीं है, इट्स अ बिट ओल्डर वन क्योंकि ये BS4 मॉडल है। तो आज चलते हैं इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, देखते हैं क्या ही है इसके अभी की हालत। अगर किलोमीटर्स ड्रिवन की बात करूं तो अराउंड 40,000 किलोमीटर्स ये गाड़ी चल चुकी है। तो बात करते हैं अगर बेसिक स्पेक्स की, तो 200 सीसी का इंजन मिलेगा। पावर की बात की जाए तो 24.5 BHP। वहीं अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो अराउंड 18.12 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। वहीं अगर माइलेज की बात की जाए तो भाई ओहो हो 35 से 37 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। अगर मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। अगर ओवरऑल गाड़ी के कब वेट की बात की जाए तो करीब करीब 166 kgs का वेट मिलेगा इस गाड़ी पे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि देख सकते हो अभी तो फ्रेम स्लाइडर लगे ही हुए हैं, खैर ये तो बात की बात है। तो अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो बाइब्रेक की फुल सिस्टम ब्रेकिंग मिलेगी आगे भी और पीछे भी। डिस्क ब्रेक है दोनों ही आगे पीछे और डुअल चैनल ABS है साथ ही साथ। वहीं अगर बात की जाए सस्पेंशन की तो आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और पीछे अगर बात की जाए तो मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। हालांकि पहले यही आता था, अभी नहीं मिलेगा, पहले यही आता था। तो पहले इसमें टेलीस्कोपिक आते थे, हालांकि अभी भी इसमें टेलीस्कोपिक ही आते हैं, कंपनी ने एज सच अपडेट नहीं दिया है कोई भी, बस थोड़ा बहुत छोटे मोटे चेंजेस करे हैं। वहीं अगर मैं मीटर की बात करूं तो कुछ ऐसा एनालॉग डिजिटल डिस्प्ले का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो अगर गाड़ी की कंडीशन की बात की जाए, क्योंकि 40,000 गाड़ी अराउंड चल चुकी है, तो अगर मैं ब्रेक पैड्स की बात करूँ तो उन तो न जाने कितनी बार चेंज हो चुके हैं। अगर मैं क्लच प्लेट्स और हब सेंटर की बात करूं या फिर मैं चेन स्प्रॉकेट की बात करूं तो ऑलरेडी एक बार चेंज हो चुका है और दोबारा से दोनों ही चीज़ें चेंज होने की कंडीशन में आ चुकी हैं। तो चलो पहले सबसे पहले चल के देखते हैं इसको राइड करके, तब कुछ अच्छे से पता चलेगा क्या ही कुछ कंडीशन है बाइक की। सो यार ऑन तो है ही, तो कुछ ऐसा सा कॉकपिट व्यू मिलेगा देखने को अपने सामने। तो चलो स्टार्ट किया जाए, देखें थोड़ा राइड करके 40,000 किलोमीटर के बाद क्या ही कंडीशन रहती है गाड़ी की। भाई उठी तो बढ़िया है, थोड़ा सा खींच के देखते हैं खाली रोड पे डाउनशिफ्ट। भाई खिंच तो बढ़िया रही है, और अगर मैं ब्रेक्स की बात करूं तो अभी भी ब्रेकिंग एबिलिटी अच्छी लग रही है मुझे गाड़ी की। वहीं अगर बात की जाए पावर जनरेशन की तो पावर जनरेशन अभी भी गाड़ी की अच्छी खासी है, अच्छा खासा गाड़ी खींच रही है। मैंने अभी डाउनशिफ्ट मार के तुरंत गाड़ी खींची तो अच्छा खासा गाड़ी खींच रही थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ हैंडलिंग और पावर टू वेट रेशियो की तो वो भी एक पॉजिटिव टर्म्स में ही है, क्योंकि बहुत बुरा नहीं है, अच्छा खासा पावर टू वेट रेशियो दे रही है गाड़ी। और अगर हैंडलिंग की बात की जाए तो हैंडलिंग में भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि अभी भी इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही आता है, पर फिर भी ठीक ठाक हैंडलिंग है, उतनी बुरी नहीं है। अगर मैं राइडर कम्फर्ट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड पोस्चर नहीं है बाइक का, ना ही बहुत ज़्यादा लीनियंट है, ठीक ठाक राइडिंग पोस्चर है, मतलब बहुत ज़्यादा थका देने वाला राइडिंग पोस्चर नहीं है। अगर पिलियन की बात की जाए तो कंपनी को आई गेस ग्रैब हैंडल देना चाहिए था। एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो खैर उतर के ही बात करेंगे ये तो इस बारे में, लेकिन एग्जॉस्ट नोट तो अच्छा है खैर गाड़ी का। दी 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 दी।
हॉर्न यार थोड़ा सा अच्छा दे सकती थी कंपनी, हालांकि अभी भी यही हॉर्न देती है कंपनी, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है कंपनी ने। खींचते हैं थोड़ा सा, इसे घुमा कर पहले लाते हैं फिर खींचते हैं। भाई साहब क्या दिक्कत है, भाई क्या समस्या है, आप खींचते हैं भाई, कुत्तों से सावधान रहे ऑलवेज। 96, 100, 104, 112 देखते हैं 130 टच करते हैं या नहीं। तो भाई एक छोटे से स्ट्रेच में, अरे छोटे से स्ट्रेच में गाड़ी 130 टच कर गई, यानी कि अभी भी इंजन की अगर हालत की बात की जाए तो इंजन की हालत अभी भी बहुत अच्छी है। हालांकि सस्पेंशन भी अच्छे से काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड रियर दोनों ही सस्पेंशन, और गाड़ी पिकअप तो खैर अभी भी उठा रही है, पावर तो अभी भी है। खैर देखो जो बात है, पावर अभी भी ठीक ठाक है गाड़ी में, नो डाउट स्टिल द मशीन हैज़ गॉट सम पावर लिटरली। हाँ तो भाई ये था कुछ एक छोटा सा राइड रिव्यू। मैं बात कर रहा था अगर एग्जॉस्ट की बात की जाए तो मुझे लगता है कंपनी एग्जॉस्ट देना भूल गई है। खैर कोई बात नहीं, ये तो कंपनी का ही ड्रॉबैक होगा, ऐसा नहीं है, कंपनी ने कुछ अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है तभी ऐसा सा अंडर बेली एग्जॉस्ट दिया गया है। और हालांकि अभी इसमें स्टॉक टायर्स नहीं है, अभी इसमें अपोलो के टायर्स इंस्टॉल है, आगे 110 लगा हुआ है और पीछे की अगर बात की जाए तो 130 सेक्शंस का टायर लगा हुआ है। फुटपैक्स पे माइनर सा वाइब्रेशन फील होगा, लेकिन यहाँ जो ये फेयरिंग वाली बॉडी है आगे की, इस पर अच्छा खासा वाइब्रेशन फील होगा। सो कुछ ये एक ड्रॉबैक है, हालांकि इस वजह से नहीं क्योंकि इतना चल चुकी है, नई पल्सर जो आ रही है उसमें भी ये एक इशू है, पर ठीक है खैर कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं उसमें। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि वाइब्रेशंस नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस है। हाँ मैंने कहा कि वाइब्रेशंस ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं, अच्छे खासे वाइब्रेशंस फील होंगे भाई। जो पिलियन होगा उसको फुटपैक्स पे वाइब्रेशन फील होंगे, जो राइडर होगा उसको हैंडल में फील होंगे। तो अगर इस पल्सर से किसी बाइक का कंपैरिजन या ड्रैग देखना चाहते हो तो एक बार कमेंट करके बता देना, और इसमें और भी मॉडिफिकेशंस होने वाले हैं, वो मॉडिफिकेशंस की वीडियो भी अगर चाहिए हो तो कमेंट करके बता देना। हालांकि ये तो कुछ बात हुई गाड़ी की टेक्निकलिटी और मैकेनिक्स की बात, वहीं अगर लुक्स की बात करो तो भाई नो डाउट एक कॉम्पैक्ट बीस्ट मशीन लगती है देखने में, आगे से देखो तो भाई एकदम डेविल आइज दिखती हैं, और कॉकपिट व्यू भी अच्छा खासा मिलता है। बात करो अगर मैं वाइब्रेशंस की तो एज सच बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है गाड़ी में, और अगर साइड व्यू मिरर्स की बात की जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होता है, एक फिर भी एक अच्छा खासा व्यू मिलता है देखने को। तो जल्दी ही चलते हैं, इसका ओनरशिप रिव्यू भी लेते हैं। सभी की जानकारी के लिए बता दूं मैं, ये गाड़ी अपने लाला द राइडर की है, तो जल्दी ही लाला को पकड़ते हैं और ओनरशिप रिव्यू लेते हैं। कुछ एक चीज़ें और भी होनी है गाड़ी में, तो फिलहाल के लिए उसको सस्पेंस में रखते हैं। तो ये था कुछ एक छोटा सा रिव्यू आफ्टर 40,000 किलोमीटर्स ऑफ द बजाज पल्सर RS 200। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ और सजेस्ट करना चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो, किसी और को दिखानी हो तो शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में एक और बीस्ट के साथ। बाय बाय गाइस।